अच्छा डोम है ये जो है ना, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोम है। उसने आज तक आरक्षण की बात को जाना नहीं, उन्होंने कभी उसका लुफ्त नहीं उठाया, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि आरक्षण लोगों के लिए जरूरी है। Right. So my point is, if we could not come through a long way in 75 years, how long is it going to take for us to stop this discrimination by this very same system called reservation? It's a simple issue. इतना लंबा सेट। अरे रुक जा, चाबी लूँगा। चाबी? अरे सैफू भी तो आएगा। हाँ जी। लाइट बंद करो यार, बिजली का बिल भरते हैं हम लोग। तो आयुष आया लिफ्ट देने लायक हमें। काफ़ी ज़्यादा तुम स्मार्ट लग रहे हो भाई आज। चलो शुक्रिया भाई। भाई मेरे आज किसको बटा रहे भाई? किसको बटा रहे भाई? खुद को भाई। अरे यार ये तो मेरे पे लाइन मार रहा है। खुद से प्यार हो गया भाई आज हमें। इसलिए आज अच्छे से बन के आए। इस एज में खुद से प्यार करो ज़्यादा बेटर है। So Meher, how was your panel? How was your panel with On My Mind with Meher? अरे तेरा कुछ सुना आज? Presentation यार जो भी। I think it was good. पता नहीं। क्या तुम क्या क्या explain किया? What was your idea like? थोड़ा सा अगर बताना बस। We had a class in which we had to make a business proposal. Yes. So उसमें I have a podcast already On My Mind by Meher. What I did was I pitched it to technically Spotify, so it becomes an audio version as well. देख रहा ना मतलब कितनी क्रिएटिव लोग के साथ रह रहे, अब तो यार सब्सक्राइब मतलब कर देना चाहिए यार। डोंट क्राई, शी इज आवर मॉम, मालिक खाना लाती है ये। चलो अभी देखते हैं, सैफू का भी आज है पैनल। देयर इज एक्चुअली अ डिबेट ऑफ सैफू ऑन रिजर्वेशन, तो अभी जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जैसा भी लाइक देखते हैं हम। श्रुति 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 विल बी आवर गाइड। श्रुति बताओ यार सर अपने कॉलेज के बारे में। तो देखो This is a place जहाँ पे हम लोग आके मस्त व्यूज देखते हैं। और ये डोम है, इतना अच्छा डोम है। ये जो है ना, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोम है। अच्छा एशिया बिगेस्ट डोम, मुझे वर्ल्ड लग रहा था अभी तक। नहीं एशिया बिगेस्ट। अच्छा ये इतना अच्छा व्यू है, वहाँ पे पूरी नदी है, मुला मुठा रिवर। पीयर प्रेशर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कट होगा। लाइक आई एम सिटिंग इन माय क्लास आफ्टर 1.5 इयर्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक एकदम नॉस्टैल्जिक वाला फील आ रहा है। लाइक सामने यहाँ पे जो स्टेज था, यहाँ पे हम लोग चढ़ के स्पीचेस देते थे। मतलब कोई ना कोई ऐसे टॉपिक मिल जाता था असाइनमेंट, जिसमें आपको खड़े होकर बोलना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो करते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था यार। लाइक होल क्लास गेट इन्वॉल्व इन दैट एंड नेक्स्ट लेवल मजा। कॉलेज लाइफ अगर आप समझ रहे हो तो समझ जाओगे। बाकी यही सब है, अभी डिस्कशन होने वाला है, लाइक रिजर्वेशन पे डिबेट होगी। तो सैफू है हमारा रूममेट जो, वो भी है, तो जैसा भी होता है वहाँ चल के देखते हैं। और बहुत अमेजिंग होने वाला, मुझे ऐसा फील आ रहा है। अब जैसा होगा वहाँ चल के देखते हैं। A solid base for critical thinking ability on the gamut of issues, which is the ultimate requirement of the knowledge of the society. Our panelists today would be debating over, does our nation needs a reservation system or not? The panelists will be discussing the above idea concerning the reservation policy of our nation and the pros and cons of it. So, hello everyone. My name is Mohammad Saifuddin. And I'm from third year BJMC, standing here and talking about the reservation and why it is necessary. Every 18 minutes in India, a crime against committed, crime committed against Dalit. Every day, 3 Dalit women are raped, 2 Dalits are murdered, and 2 Dalits' house are burned in India. 11 Dalits are beaten every day in India. Social and economic condition of Dalits in India. 37% of Dalits living below poverty line in India. More than half, 54% of their children are undernourished in India. Respected sir, ma'am, my friends, and my dear friends, a very good afternoon to one and all. Seats are reserved for SCs and STs, SCSCs and OBCs at schools, jobs in administration. And the arrangement was supposed to end in 10 years. But now, after 70 years have passed, the reservation has not been able to uplift these communities. There are some fundamental problems with the reservation system in India. First, the implementation of reservation is such that
all people under SCs and STs will get reservation, and all other benefits like fee concession, lower cutoff, etc. Irrespective of one's social and economical background. For an example, if a child's dad is a millionaire, but he belongs to SC or ST community, he will get the same reservation benefit as a poor SCST community. The second problem with the reservation system is, if it is about creating level playing field, then why do we need it after a certain point? I'll give another example for it. If a student from a backward class wants to pursue medicine, he or she can obtain quota at one of the top colleges in the country, medical colleges in the country, AIIMS. AIIMS has 15% seats reserved for SCs, 7.5% for SCs, 27% for OBCs, 27% for OBCs, 5% for PWDs, 10% for EWS. And the total reserved seats are 64.5%. Now after 5 years, all of these students will pass out as equals. All of the students from different social economical backgrounds will pass out as equals. Now they want to pursue masters. The master colleges have the same reservation criteria. After they pass for masters, they want to apply for government jobs. Government jobs have the same reservation criteria. After working for a few years in the government jobs, they're waiting for promotions. Even promotions have reservation criteria. And after a few years, if the doctor has a son or daughter, he or she will have the same reservation benefits, and the cycle will go on and on and on. That's it. Thank you. Now, the Dalits are often refused admission to the hospitals, access to health care and treatment in violation of their rights in the highest attainable standards of health social services. In the number of cases, those who are admitted receive discriminatory treatment, according to the reports published by NHRC, National Human Rights Commission of India. Dalits are denied equal access to a spectrum of places. Okay, so, ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जो मैं समझाने आया हूँ, वो समझा कर ही जाऊँगा. अगर हम वो लोग हैं, जो लोग नाली के करीब से भी निकलते हैं, तो अपना चेहरा ढक लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उन लोगों का क्या जो उस नाली में जाके वो कचरा साफ करते हैं. Exposed to both human animal waste without protection of masks, uniform, gloves, shoes, appropriately buckets, mops, and repercussion of this health. The majority of the scavengers suffer from anemia. I'm not going to explain much. But जाने से पहले कहना चाहूँगा कि हम यहाँ इस डिबेट को जीतने नहीं, बल्कि कई हजार पिछड़े जाति समाज के साथ हुए अन्याय याद दिलाने आए हैं. उनकी समतलीकरण यानी इनइक्वालिटी को उनकी इक्वालिटी के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की बात रखने आए. मैं जिस वर्ग से आता हूं, उसने आज तक आरक्षण की बात को जाना नहीं, उन्होंने कभी उसका लुफ्त नहीं उठाया, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं कि आरक्षण लोगों के लिए जरूरी है. हमने तो शिक्षा ले ली, लेकिन उस निचले तबके को नहीं मिला जो आज भी मजदूरों की तरह गाँव में दिहाड़ी के लिए नौकरी कर रहा है. धन्यवाद. In India started in 22nd century BC. In Manusmriti, the law book of Brahmins, all laws were based on the caste and no merit was ever considered. It divided people into high and low caste on the basis of their birth and not on the basis of their merit. This was Varna system for you, it was not caste. Varnas are only 4, castes are 453. Thank you. Right? So this is not a discrimination. Or do three examples we have Kubja ka hai, Kewat ka hai, Shabri ka hai, jiske jhoothe mein bor khaye the, Shri Ram, there was no discrimination. I'm sorry for that. Right? Now, Arif Mohammad Khan, if you are aware about the Keralite governor, said, जिसने आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, राइट, दैट वी डू नीड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी. ही रिसेंटली गिव अ स्टेटमेंट, मुस्लिम्स डू नॉट नीड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन. आपके गांव में अगर स्कूल नहीं है, वो कहने के लिए अगर आपके गांव का बंदा नहीं भी आता है, इट्स ओके, द गवर्नमेंट ऑलरेडी नोज कि वहां पे स्कूल नहीं है, स्कूल बन जाएगा. द रिजर्वेशन केम, द बुक दैट यू कैरी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. There is a sequence of letter which was edited in 1936. जात पात तोड़क मंडल में ये speech देनी थी अंबेडकर साहब को, जो वो नहीं दे पाए, right? And Mahatma Gandhi in his own outlet Harijans debunked this word by word, smriti by smriti,
saying ki Ambedkar is wrong when he creates an equivalence on the caste system of Hinduism. So the group that is very debate was manipulated on GST and manipulation of the money, but the point is, how long is it going to take? If the reservation system is so ideal that it is cancelling the caste system, how long is it going to take for a country like India? Or jahan pe manholes, last point, jahan pe manholes aur death ki baat thi, America mein caste system nahi hai, 30 times data hai, 30 times people are getting more killed in entering the manholes. Where does this caste discrimination come from? That was my question, right? And it's not mentioned in Manusmriti and peace. We're talking about reservations. Just a second, my friend. Just a second. If I get an answer, if I get to answer, I'll specify that. Thank you. Right? So the point is, there's no discrimination in Manusmriti against any Varna. And I repeat, there is no discrimination in Manusmriti against any Varna. Please have a question to the panelists or pass on the mic. Okay. Two questions. You got another 15 seconds. More. Hold on, like the hall is very warm. It's very fun. 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 भाई उसको खत्म तो कर लें दो। You got another 15 seconds. We are going to just pass on the mic. Okay. The question to the panelist was that if this system of reservation is so ideal, how long is it going to take? Because at the end of the day, the forefathers who made this system did decide a timeline, at least not exactly the years, but the timelines of some election cycles, which is again mentioned in that particular book. Right? So my point is, if we could not come through a long way in 75 years, how long is it going to take for us to stop this discrimination by this very same system called reservation? It's a simple question. That's it. इतने सालों में खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने तो ये नहीं बनाया, so we can't say like that ना. तो लाइक फाइनली आर डिबेट इज़ ओवर. बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मतलब कॉलेज आके ना एकदम वो वाइब जो होता है ना पूरा मीडिया वाला मीडिया फील्ड का, तो एकदम वो आ रहा है तभी. एंड अब मैं कुछ अपना भी पॉइंट रखना चाहूँगा इस चीज़ पे. लाइक मैंने वहाँ पे नहीं बोला बिकॉज थे वहाँ पे डिस्कशन करने वाले, तो वहाँ पे ऐसे बोलने का कोई पॉइंट नहीं लगा था मुझे. बट व्हाट आई थिंक इज़ कि जैसे कि अब रिजर्वेशन आई डोंट नो कि हटाना अभी हटेगा नहीं हटेगा, बट अभी के हिसाब से उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, जो कि ये होना चाहिए कि लाइक जनरल कैटेगरी के लिए जैसे 10% है, एससी एसटी के लिए 50% है, तो जनरल कैटेगरी को उसने उन्होंने स्पेसिफाई किया कि वो गरीब सवर्णों के लिए है, तो उसमें सेम एससी एसटी के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि वो गरीब एससी एसटी वालों के लिए होना चाहिए. तो आई डोंट नो कि मैं सही हूँ गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, तो जो भी है इस चीज़ को भी यहाँ बंद करते हैं बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते. तो अभी जैसा भी है चलते हैं और कुछ पहले पेट पूजा भी करते हैं. ठीक है, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बताना जो भी कैसा लगा तुम लोग को ये वीडियो. तो लाइक अभी मतलब रात हो रही है काफ़ी और यहाँ हम लोग का असाइनमेंट बनाना है, कल सबमिट करना है. देन यहाँ पे देख लीजिए अभी क्या भाई भार्गव लोग काम पे ऐसे लग गए हैं, बस मुझे भी जल्दी लगना है. तो जैसा भी है तो मैं पॉज कर रहा हूँ, कॉपीराइट लग जाएगा ना. देखो ठीक है, सो होप यू ऑल हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस ब्लॉग. आज सौम्या भी आ गई, प्रतीक्षा भी आ गई, तो अभी पूरी फैमिली एक तरह से कंप्लीट हो गई है, समझ रही हो. तो जैसा भी लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना. अंटिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जो भी है. मिलते हैं फिर जैसा भी होता है नेक्स्ट ब्लॉग में. गुड बाय.
पीछे सो गुड यार हमारे लिए मतलब खाना ले आती है ए बिकमंगो मिलेगा नहीं फिर खा लो मैं खा लूंगा नहीं तो पूरा